टॉन्सिलाइटिस यानी गले की खराश, गले में दर्द। टॉन्सिलाइटिस है क्या? टॉन्सिल हमारे गले में लिम्फ ग्लैंड है, मुंह के बिल्कुल आखिरी हिस्से में, जीवा मूल के पास, जो कि हमारे लिए संतरी का कार्य करते हैं, क्योंकि मुंह और नाक के रास्ते जो जम्स जाते हैं उनको ये नष्ट करते हैं। तो हालांकि इनका काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी खुद की गलतियों की वजह से ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो उसे टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। अब मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ घरेलू उपचार बताए, कारण और लक्षण बता दिया था। आज के वीडियो में मैं आपको केवल आसन बता रही हूँ कि किन आसनों को करके आप इसको पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। उसमें बताए हुए उपचार जो बताए उनको तो करें, लेकिन आसनों को अभ्यास रोज करना पड़ेगा। इसमें सबसे अधिक जो लाभदायक है, गले के अंदर जिन आसनों से खिंचाव मिल रहा है या दबाव मिल रहा है, तो उन आसनों को करके हम अपने गले के रोगों को ठीक कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है, मैं आपको उष्ट्रासन करके बता रही हूँ, जो सरल वाला है, क्योंकि हमें तो गले में खिंचाव देना है। बस आप ऐसे बैठ जाए, घुटनों के बल खड़े हो जाए, कमर पे हाथ रखें, सांस भरते हुए पीछे की ओर बैंड हो जाए। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ तक आके आने को पकड़ने की जरूरत नहीं है, आप बस ऐसे करें और लंबी गहरी श्वास करें। ये गले के रोगों के लिए बहुत अच्छा है उष्ट्रासन। उसके बाद मैं आपको बताऊं भुजंगासन, स्नेक पोज। उसके लिए पेट के बल आ जाए, हथेलियों को पसलियों के पास, लिप्स के पास रख लें, सांस भरते हुए उठे, गर्दन को पीछे की ओर ले जाए। अब यहां पर लंबी गहरी सांस भरे, छोड़े। क्योंकि लंग्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं, बैक के लिए भी अच्छा है हमारे, और आपके टॉन्सिल में खिंचाव तो दे ही रहा है। और ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए। किसी भी पोज में आप आधा से 1 मिनट जरूर उठे, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। अब इसके बाद जो मैं बता रही हूँ, ये दोनों तीनों आसन रामबाण है, सर्वांगासन, हलासन और मत्स्यासन, जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। बच्चे इन आसनों का अभ्यास बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले सर्वांगासन करके बता रही हूँ, क्योंकि ये आसन रामबाण है टॉन्सिल के लिए। हालांकि थायराइड के लिए भी यही आसन है, लेकिन टॉन्सिल में तो मैंने देखा कि उस बच्चे का इसी से पूरी तरह से क्योर हो गया था। आपको क्या करना है, सांस छोड़ते हुए ऐसे आए और अब पैरों को नीचे की ओर यू शेप बना लिया बॉडी का, ब्रीद आउट। सांस भरते हुए पैरों को ऊपर ले गए। अब यहाँ पर आप चाहे तो उज्जायित, बच्चा है तो नहीं कर पाएगा, लेकिन बड़े तो उज्जायित प्राणायाम हम यहाँ कर सकते हैं। अगर बच्चा है तो कोई बात नहीं, बस सांस ले सांस छोड़े। इस पोज में आके 1 मिनट जरूर रुके। 1 मिनट के रुकने से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन इन आसनों का अभ्यास उसे रोज प्रतिदिन करना पड़ेगा, जब तक कि पूरी तरह से क्योर नहीं हो जाए। और वैसे भी ये आसन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, हाइट बढ़ाने के लिए, मेमोरी शार्प करने के लिए। इसका नाम ही सर्वांगासन, सभी अंगों का आसन हो जाता है इसे एक आसन से। तो ये था सर्वांगासन। सर्वांगासन के बाद मत्स्यासन। मत्स्यासन के लिए अगर पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन लगाएं। लगा देते सिर को ऊपरी बीच वाला भाग जमीन पे ले आए, अंगूठे को पकड़े, एल्बो जमीन पे लगा दे, दोनों घुटने जमीन पे। ये था मत्स्यासन। यहाँ पर भी आप आंखें बंद करके लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे बना लें। यहाँ भी आँख तो बंद करनी है सभी आसनों में, सर्वांगासन हो चाहे मत्स्यासन हो चाहे पुरुषासन हो, और सांस भरते हुए सीधी हो जाए। ये था मत्स्यासन। क्योंकि मैंने बोला टॉन्सिल के हिस्से में खिंचाव और दबाव देना है, तो पहले आसन से दबाव मिला था, इससे खिंचाव मिला है। उष्ट्रासन से भी खिंचाव मिला था, भुजंगासन से भी खिंचाव मिला था। अभी मैं हलासन करके दिखा रही हूँ, जिसमें आपको दबाव मिलेगा। हलासन के लिए भी देखिए,
ये स्थिति बनाई, पैरों को पीछे टोस को जमीन पे ले गए, हाथ यहाँ रख दिया। अब यहाँ पर लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, आंखें बंद रखेंगे। एक से डेढ़ मिनट इस आसन में अगर रुकते हैं तो इसके तो बहुत सारे लाभ है, फैट भी जाएगा, टॉन्सिल भी ठीक होगी, डाइजेशन इम्प्रूव होगा, थायराइड की समस्या भी इससे हल होती है। और जब एक से डेढ़ मिनट हो जाए तो सांस भरते हुए धीरे से पैरों को नीचे ले आए, हाथ पीछे ले आए। ये था हलासन। इस इन आसनों के बाद मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी चीज और बता रही हूँ, कुछ प्राणायाम है और एक ब्रीदिंग बता रही हूँ। हाथ यहाँ ले, हैंड स्प्रेड ब्रीदिंग है, सांस भरते हुए हाथ को और गर्दन को पीछे ले जाएंगे। कम से कम 8 से 10 बार हैंड स्प्रेड ब्रीदिंग। इसके बाद है नेक रोटेशन। नेक रोटेशन में क्या करना है, बस सांस सामान्य रूप से लेते छोड़ते हुए गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। आप देखेंगे जब गोलाकार घुमा रहे हैं तो टॉन्सिल की जो ग्लैंड रही है हमारी, दब रही है, खींच रही है। 5 बार सीधे 5 बार उल्टे। मैं कम घुमा रही हूँ क्योंकि मुझे खाली दिखाना है आपको कि क्या करना है। आँख बंद करके ही नेक रोटेशन करेंगे और बहुत तेजी से नहीं घुमाएंगे। गर्दन में कभी बहुत तेजी से गर्दन घुमानी नहीं चाहिए, बहुत आराम आराम से। ये था नेक रोटेशन। नेक रोटेशन के बाद हैंड ब्रीदिंग तो मैंने बता दी, नेक रोटेशन बताया। जल नेति का मैं आपको वीडियो डाल दूंगी, जल नेति बहुत अच्छा है गले के रोगों के लिए भी, नाक कान गले आँख सबके लिए अच्छी है। तो जल नेति का मैं वीडियो डाल दूंगी, आप उससे देख के सीख सकते हैं या फिर आपके आसपास कोई योग प्रशिक्षक हो उससे जाके सीख सकते हैं। उज्जायी प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम और एक्यूप्रेशर अभी मैं और बताऊंगी। उज्जायी प्राणायाम के लिए आपको गले की वॉल को थोड़ा सा सिकोड़ना है, मतलब टाइट कर लेना है, ऐसे करके थोड़ा सा बैंड करते हुए। और उसके बाद सांस भर लेंगे, सांस आवाज करते हुए भरेंगे। इससे आपकी स्नोरिंग भी समस्या भी दूर होती है, थायराइड की समस्या भी दूर होती है और सोर थ्रोट भी ठीक होता है। तो ये उज्जायी प्राणायाम करके भी दिखा रही हूँ मैं आपको कि क्या करना है। ये था उज्जायी प्राणायाम। मैंने गले की वॉल को सिकोड़ के दोनों नासिका से सांस भरी तो सिकोड़ लेने से जो एयर जा रही थी वो गले की वॉल को टच करके जा रही थी, इसलिए ये आवाज़ हो रही थी। और छोड़ते समय मैंने दाईं नोज को, मतलब राइट नोज को बंद किया उल्टे से, लेफ्ट से ब्रीद आउट। छोड़ना ऐसे ही है, लिया आपने दोनों नासिका से, छोड़ा क्यों लेफ्ट नोज से। ये था उज्जायी, और इसको कम से कम आपको 7 से 9 बार करना है उज्जायी प्राणायाम। अब मैं आपको कपालभाति, जो वैसे हालांकि आपको आता है, मैं करके बता देती हूँ क्योंकि धीरे धीरे नहीं करना है, इस तरीके से करना है कि गले की वॉल पर यहाँ पर उसका एक प्रेशर आए। धीमी गति से शुरू करके तेज लाए, तेज से वापस धीमा करते हुए बंद कर दिया। तो इसका 2 मिनट अभ्यास जरूर करना है, कपालभाति का भी। अब मैं आपको एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट बता रही हूँ जो कि गले के रोगों के लिए, टॉन्सिल के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा है, खांसी के लिए भी अच्छा है। ये आप देख रहे हैं फर्स्ट फिंगर और अंगूठे के बीच वाला भाग, यहाँ जो सॉफ्ट वाला भाग है वहाँ पर प्रेशर देना है आधे आधे मिनट के लिए 3 बार।
ये हालांकि बहुत सारी चीजों का पॉइंट है, आप जब भी दबाएंगे तो आपको दर्द जरूर महसूस होगा, पर ये गले के लिए भी यही पॉइंट है। आपको दिखाई पड़ रहा होगा मैं बिल्कुल इस दोनों के बीचों बीच वाला भाग ऐसे दबा रही हूँ। इसकी यो तेल, नारियल तेल लेके आप मसाज भी कर सकते हैं। दोनों तरफ से मसाज भी कर सकते हैं और एक पॉइंट यहां पर है गले के लिए, क्योंकि हमारी ये गर्दन का पॉइंट है, ये हमारा अंगूठे की जड़, तो गर्दन की समस्या है तो एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है। बस इतना करके, ये तो मतलब मैंने ऐसे बता दिया है कि हमेशा के लिए क्योर अगर इन चीज़ों को कर लेते हैं कुछ समय के लिए तो टॉन्सिल की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। तो मेरे आज के इस थोड़े से आसनों से हमेशा के लिए अपने टॉन्सिल की समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे, पिछले वीडियो को ज़रूर देखेंगे ताकि आपको उसके कारण, लक्षण और बचाव कैसे करें और घरेलू उपचार क्या है तो आप से देख लेंगे, तो आपके लिए रोग बिल्कुल रोग रहेगा ही नहीं, 100% आपके और कुछ ही दिनों में। नमस्कार, धन्यवाद।